दोस्तों, आपने बहुत से लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज और उनकी सक्सेस की कहानियां भी सुनी होंगी, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, कैसे एक करोड़पति बना करोड़पति। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो आज से करीब 60 साल पहले बिल्कुल खाली हाथ कोलकाता आया था। हाथ में एक रुपया भी नहीं था, यहाँ तक कि कोलकाता आने के लिए टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। और आगे चलकर इसी इंसान ने लिंक पेन एंड प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। आज यह कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी पेन वाली कंपनी है, जिसका टर्नओवर है 350 करोड़। तो आज हम बात करेंगे लिंक पेन्स के फाउंडर की स्ट्रगल स्टोरी की, उनके संघर्ष की, कैसे उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी सफलता में बदला। तो हमारी आज की कहानी के नायक हैं सूरजमल जलन। सूरजमल जी का जन्म 1938 में राजस्थान में हुआ, एक बहुत ही आम परिवार में। उनके पिता अपनी जॉब से रिटायर हो गए थे और घर संभालने की जिम्मेदारी सूरजमल जी के दो बड़े भाइयों पर थी। घर में 6 बच्चे थे और उन 6 में से सूरजमल 5वें थे। सूरजमल बचपन से ही घर में सबके दुलारे थे। उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें कभी काम करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे चाहते थे कि सूरजमल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कभी इतनी अच्छी नहीं थी, वह जो भी सुबह कमाते थे शाम को वही खाने में खर्च हो जाता था। बचत का तो कोई तरीका ही नहीं था। साल 1957 में 19 साल की उम्र में सूरजमल जी ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके गांव के ही कुछ लोग जो कोलकाता में रहते थे, उनसे उन्होंने सुना कि कोलकाता में कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं। इसलिए सूरजमल जी ने कोलकाता जाने का निश्चय किया, लेकिन उनका परिवार उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन सूरजमल जी ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार उनके परिवार को उनकी बात माननी पड़ी और सूरजमल जी कोलकाता चले गए। उस समय जब वह घर से निकले, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे उन्होंने जनरल क्लास की एक टिकट खरीदी। आखिरकार सूरजमल कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक कारपेट के शोरूम में काम करना शुरू किया। यह दुकान उत्तर कोलकाता में हैरिसन रोड में थी। वहां काम करने के उन्हें हर महीने 50 रुपए मिलते। सूरजमल जी का एक दोस्त कोलकाता की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और वह अपने दोस्त के वर्क प्लेस पर ही सोते थे। फुटपाथ पर नहाते और सड़क किनारे खड़े ठेले से जो उन्हें मिलता वह खरीद कर खा लेते। उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता ताकि वे थोड़े बहुत पैसे बचा सकें। यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। एक साल बाद उन्होंने वहां काम छोड़ दिया और एक कंघी बनाने वाली कंपनी में काम शुरू किया और 2 साल बाद 1960 में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी में एक कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां पर उन्हें काम करने के हर महीने 500 रुपए मिला करते। 2 साल बाद उन्होंने कोलकाता की बगरी मार्केट में एक रिटेल काउंटर खोला और पेन के साथ स्टेशनरी का भी सामान बेचना शुरू किया। लेकिन वह हमेशा से पेन बनाने की एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे। उनके सास ससुर ने उनकी मदद की और उन्हें 10x10 फुट का एक कमरा दिया। वहीं से उन्होंने अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पेन के लिए प्लास्टिक पार्ट बनाना शुरू किया। उनके बनाए पेन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, लेकिन सूरजमल का अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते थे और उनका यह अपनी ब्रांड बनाने का सपना पूरा हुआ 1970 में, जब उन्होंने लिंक एंड प्लास्टिक नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उनकी इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख रुपए। शुरुआत में उन्होंने 5 कर्मचारी रखे और ऑफिस का महीने का किराया था 700 रुपए। धीरे धीरे उनके पेन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। वह अपने कस्टमर से मिलते और उनसे अपने पेन के बारे में फीडबैक लिया करते, उसमें उन्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। साल 1992 में लिंक एक जापानी कंपनी मित्सुबिशी के साथ मिली और इसके बाद वह भारत में बॉल पेन्स की अकेली डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। उसी साल उन्होंने करीब 12 लाख कीमत के पेन साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किए। साल 2008 में लिंक ने अपने ब्रांड को और मशहूर करने के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सपना है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि बिना संघर्ष सफलता नहीं मिल सकती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी बनाई हुई बायोग्राफी सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।